भारत माता की, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ जय। छत्तीसगढ़ आज छत्तीसगढ़ के हमर लाखों लाख आवासहीन भाई बहन के जीवन में एक खुशहाली के दिन है। छत्तीसगढ़ में नवा सवेरा आगे है। गरीब मन के जीवन में परिवर्तन लाए बर आज आप सब के तरफ से, पूरा छत्तीसगढ़ की ओर से, हमारे देश के आधुनिक विश्वकर्मा जिन विश्वकर्मा दिवस में ही पैदा हुए हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ला आवास प्रदान करे बर मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब ताली बजा के मोदी जी के स्वागत करो। आज उखर जन्मदिन है, विश्वकर्मा जी के पूजा और अर्चना, विश्वकर्मा जयंती भी है और हमारे छत्तीसगढ़ के नया इतिहास लिखे के दिन है। मैं प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य के कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना है, मां बम्लेश्वरी से प्रार्थना है कि ओला दीर्घायु बनाएं, भारत मां के सेवा के संकल्प पूरा करें। और आज जिन एक बड़े योजना के शुरुआत हमर हो थे ओकर लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके पसंद से, आपके वोट से, आपके अधिकार से जिला मुख्यमंत्री बनाए हैं, ऐसे विष्णुदेव साय जिला ताली बजा के स्वागत करो। वादा पूरा करने वाला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, चुनाव के समय वादा करे रही से कि छत्तीसगढ़ में जिन दिन सरकार बना हूं भारतीय जनता पार्टी के, मैं पहला काम मंत्रिमंडल के पहला कैबिनेट में जाए के साथ पहले काम यदि करूं तो गरीब मन के लिए आवास दे के कामला पहली दस्तखत करूं। 18 लाख आवास के स्वीकृत करने वाला विष्णुदेव साय जी ला बहुत बहुत धन्यवाद, जेकर वजह से आज ये दिन गरीब मन के जीवन में प्रसन्नता है। सामाजिक न्याय, समरसता, गरीब के जीवन में परिवर्तन और ये आवास की योजना के साथ साथ मैं आप सब ला कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य और जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री पहली बार बोले रही से कि देश में स्वच्छता के बाद शौचालय बनाए के बाद, और वो स्वच्छता के अभियान ओकर जन्मदिन से शुरू करके एक पखवाड़ा तक हमला मनाना है, ये नरेंद्र मोदी जी के कल्पना। गांव गांव में शौचालय बन गए, गांव गांव में शौचालय का निर्माण, और ये 18 लाख मकान में सबके लिए शौचालय, सबके लिए बिजली, सबके लिए गैस कनेक्शन, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, ओकर लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, केवल आवास नहीं, गरीब के स्वाभिमान, गरीब के इज्जत समाज में बढ़ते, परिवार में बढ़ते। और ये योजना के लिए प्रधानमंत्री जी 10 साल में करीब करीब 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए, और ये तीसरा कार्यकाल के 100 दिन में, ये तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद सिर्फ 100 दिन के अंदर 3 करोड़ आवास के स्वीकृति देने वाला प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी है, जेकर वजह से हो। हमार मंच में बैठे हुए सभी अतिथि जिन संघर्ष करे, जिन लाठी खाए हैं, भूपेश बघेल गैस के गोला छोड़ के, लाठी चला के, बैरिकेड लगा के, जब गरीब मन के लिए आवास के लिए आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करीस, तो एक एक करता ला गैस के अश्रु, गैस के गोला के साथ, पुलिस के बर्बरता के साथ रोके के प्रयास करे है। मगर ये बात ला भूपेश बघेल भूल गए, गरीब के आह में इतना ताकत है
कि बड़े ला खाक कर सके थे। गरीब मन के 18 लाख मकान छीनने वाला भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जनता भूपेश के कुर्सी ला छीन के बता दीस कि यदि गरीब के साथ छेड़खानी हुई सरकार बदल देंगे। ये सरकार में परिवर्तन, ये टर्निंग पॉइंट, वो आंदोलन, और वो आंदोलन में रहने वाला सभी हमारे साथी, मैं स्वागत कर रहा हूं सबके, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के, उप मुख्यमंत्री ऊर्जावान विजय शर्मा जी ला मैं धन्यवाद ये वजह से देवा था कि आवास के योजना के संगठन के महामंत्री बनते हुए पूरी कार्य योजना के रूपरेखा तय करने वाला कोई है तो विजय शर्मा जी ला मैं कहना चाहता हूं, जो खर ये पूरी कार्य योजना तैयार करके यहां बैठे हुए हमारे सभी साथी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, दयाल दास बघेल जी, मंत्री खाद लखनलाल देवंगन जी, श्रम विभाग के मंत्री अनु शर्मा जी, विधायक इंद्र कुमार जी, हमारे विधायक पुरिंदर जी, मोतीलाल साहू जी, रूप कुमार जी सांसद, यहां उपस्थित विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक जी और सभी अधिकारीगण, यहां के जिलाधीश, यहां के पुलिस अधीक्षक, ये जिन बात ला विजय शर्मा जी बतात्री से ओला जग का हितग्राही बैठे हो ओला कान लगा के सुन लो और कागज में नोट कर लो। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है, ये नरेंद्र मोदी जी की योजना है, ये विष्णुदेव साय की योजना है, विजय शर्मा की योजना है, ये कमल निशान की योजना है। हितग्राही मल्ला एक रुपया भी कहीं दे के जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए आप, कोई भी दलाल किसी से भी जुड़ा हो हितग्राहियों से यदि एक रुपया भी मांगता है, एक रुपया का भी डिमांड करता है, वहां के कलेक्टर को फोन करके तुरंत सूचना करें, उस व्यक्ति को सीधा गिरफ्तार किया जाएगा, जेल के अंदर जाएगा। तो मैं ये आज कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, एक रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं। इसलिए विभाग ने शानदार पहली बार हिंदुस्तान में गृह पोर्टल बनाया है। ये गृह पोर्टल कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेगा आवास की स्वीकृति का, राजमिस्त्री की उपलब्धता का, बैंक की सखी की उपलब्धता का, और जो महत्वपूर्ण गैप है आवास में उसको भी लगातार मॉनिटरिंग करेगा जब तक आवास पूरा ना हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारी स्थिति और सारा काम विभाग ने बहुत सोच के किया है, और आज के दिन में मैं फिर से आप सबको और खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, अधिकारियों को, कि बहुत तेजी के साथ काम करते हुए इस महत्वपूर्ण योजना को पूरा किया है, और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के अवसर पे, विश्वकर्मा दिवस के अवसर पे स्वच्छता अभियान को शुरू करने मोदी जी के जन्मदिन से आप सबको मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचन और संबोधन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 की तकनीकी मार्गदर्शिका के विमोचन के लिए। तकनीकी मार्गदर्शिका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0, इस मार्गदर्शिका में आवास निर्माण के लिए डिजाइन, लागत, आकलन, प्राक्कलन जैसे हर महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश किया गया है, जिसके लिए एक आशियाना तैयार करने के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। इस मार्गदर्शिका में वो सारी जानकारियां समाहित हैं जिसे पढ़कर हितग्राही अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, अपनी आवास सुविधा के अधिकारों के बारे में जान सकते हैं, और अपनी पड़ताल भी कर सकते हैं कि इस प्रक्रिया में उन्हें किस तरह से भाग लेना है और कैसे प्रक्रिया को पूरा करना है। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और हमारे अति सम्माननीय मंचस्थ अतिथिगण। अब अवसर है महत्वपूर्ण गृह पोर्टल के लॉन्चिंग का। माननीय मुख्यमंत्री जी बटन दबाकर इस गृह पोर्टल की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में 8,46,000 आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। निर्माण कार्य हेतु बड़ी संख्या में राजमिस्त्रियों, भवन निर्माण सामग्री, बैंक एवं सहयोग की आवश्यकता होगी। इतने कम समय में गृह निर्माण के इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु गृह पोर्टल का शुभारम्भ किया जा रहा है। अलग प्रकार की परिस्थिति में था। मैं आदरणीय राज्यपाल जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उस रेड क्रॉस को आज मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए, आम जनता जनार्दन के लिए एक उपयोगी रेड क्रॉस बनाने का काम माननीय राज्यपाल जी ने किया है। और आज के दिन सभी जिलों के जिला चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्र खोलकर उन गरीबों के चिंता करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, हमारे राज्यपाल जी ने आज इसकी शुरुआत रेड क्रॉस के माध्यम से जो की है, इसलिए मैं उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। आप सभी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, आप सब की ओर से बहुत आज बधाई, शुभकामनाएं। और उनके दिए संकल्प पर हम सब लोग स्वच्छता से लेकर के अन्य अन्य प्रकार के सेवा के इस पखवाड़े में हम सब लोग लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।